फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कबाब बनाने जा रही हूँ सोया बड़ी के। उसके लिए चाहिए 2 कप सोया बड़ी भीगी हुई, आधा घंटा करीब पानी में, 1 कप चना दाल भीगा हुआ आधा घंटा, नमक, 2 गांठ प्याज बारीक कटी, लाल मिर्ची, 5-6 तेज पत्ते, 1 कटोरी धनिया, 4 मिर्चें कटी हुई बारीक, और ये सामान है आधा कप लहसुन, सौंफ, जीरा, थोड़ा गर्म मसाला और प्याज, थोड़ी ये तला सा, ये सब सामान तला जाएगा तेल में, ये ऑयल, ये पानी। इसको पहले मैं कुकर में डालूँ सोयाबीन, चना दाल सारी, तेज पत्ता 5-6 पीस, नमक टेस्ट के साथ करीब 1/2 चम्मच, और इसमें आधा पानी डालूँ, आधा कप, और मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी एक करीब 10 मिनट के लिए। मैं जो उबाला था ये उबल चुका है, इसको एक सीटी लगाने के बाद 10 मिनट मैंने सिलो, बिल्कुल सिलो आँच पर इसको हमने पकने दिया था, ये बिल्कुल सूख गई है, इसको ठंडा होने दें, और अब ये गर्म हो चुका है। इसमें 1 चम्मच तेल डालूँगी, ऑयल डालने के बाद इसमें ये थोड़े से प्याज है, इसको तल के निकाल दूँगी। करना है थोड़ा गुलाबी करना है इसको, गुलाबी हो जाएंगे तब ये सामान डाल, ये प्याज ये तल गई, अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई। अब इसमें अदरक थोड़ा सा टुकड़ा काट के बारीक डालना है, 10-12 लहसुन भी पीस, ये थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, और थोड़ा सा गरम मसाला, 1-2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, छिलका काटा, 4-5 लौंग, 10-12 काली मिर्च, ये डालना है इसके अंदर, और थोड़ा सा फ्राई करना है इसको। ये मसाला हो गया जो, अब ये पत्ते पड़े हैं हटा कर इसमें डालना है, पीसने के लिए एक भी पत्ता ना आए। अब ये मसाला जो रोस्ट किया है ये भी इसी के अंदर पीसना है, मिलाकर मिक्स करना है सारा, इसके अंदर से तेज पत्ते सारे हटा दिए, एक भी नहीं है, इसको पीसना है। अब इसमें हरी मिर्च काटी हुई बारीक, लाल मिर्च 1 चम्मच, और ये प्याज 2 खट प्याज की बारीक, ये मिला मिक्स करना है सबको। हमें कबाब फ्राई कर लेते हैं, इसको तेल डाल के, चलो फ्राई थोड़ा सा लेकर, कबाब सीधे हम इनको निकालते हैं, ये बने आपके बेस कबाब को खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छे, ये हरी चटनी के साथ, पुदीना जीरा इसकी चटनी है, ये टमाटर डालकर इसके साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, ये बहुत टेस्टी।